चोरों का तांडव जारी है। पटना सिटी के मेहदीगंज थाना क्षेत्र के मेहदीगंज मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग की। अपराधियों ने बीजेपी नेता नवल किशोर सहनी के घर पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। हालांकि फायरिंग की घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। फायरिंग के बाद बीजेपी नेता के घर दहशत का माहौल देखा गया। बीजेपी नेता नवल किशोर सहनी ने बताया कि देर रात 2 की संख्या में अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। सवा दस के आसपास सब अपना अपना रूम में था और उधर सब खाना खा रहा था। बच्चा मेरा मैया खाली गली में बैठी हुई थी। आई इसका जो केमारी है ना, वो लिरकाया हुआ था। इस बीच में उसको लगा कि मेरा नाम लेके कोई गाड़ी बका और उतने ही सुनते सुनते ढ्राम सा का आवाज़ किया तो उसको लगा कि कुछ हुआ। जब निकला तो कुछ लोग यहाँ पर इन सब भीड़ लगा दिया कर इसके, अभी तुरंत गोली छोड़ कर, मतलब 1-1.5 मिनट के अंदर वो तेजी से बाइक से फिर निकल गया। बजे की घटना है, पुलिस घटना पर पहुँच गई है। घटना का तहकीकात किया जा रहा है। निरीक्षण क्रम में वहाँ कोई संदेहात्मक सामान या खाली खोखा को बरामद नहीं किया गया है। फिर भी स्पेशल की टीम को बुलाया गया है और डॉग स्क्वाड टीम को घटना स्थल पर बुला करके जांच पड़ताल किया गया। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के जाति के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि अनुराग ठाकुर को देश की गरीबी, कमजोर वर्ग के हालात और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता ही नहीं है। या तो बड़े मियां, छोटे मियां, सुहान अल्लाह, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। अनुराग ठाकुर जी को क्या पता है देश की गरीबी, कमजोर, देश की सामाजिक आधार कोई आज का बात है? जेपी लोहिया, कर्पूरी, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इस देश में लाला लाजपत राय, झांसी, इस देश को राष्ट्रकवि दिनकर, सभी लोगों ने, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, भले राजपूत समाज के लोग उन्हें एक्सेप्ट ना किए। राहुल गांधी को क्या ये गाली देंगे? राहुल गांधी को तो कई बार गाली पड़ चुकी है। जनों को लेकर के बात उठा दिया था यही लोग, मोतीलाल नेहरू से लेकर के आज तक। और जब जब परिवर्तन की बात आई तब तब कबीर पैदा हुए। और राहुल गांधी जी किसी जाति की बात तो किए नहीं और करते नहीं है। मंडल कमीशन के बाद और जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक आधार है, उसको समझिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।